सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि युवराज सिंह और सुरेश रैना को एक और मौका दिया जाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इस समय भारत देश में हर जगह केवल वर्ल्ड कप की ही चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के अभ्यास मैचों को लेकर रोमांच तो अभी से देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम 22 तारीख को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। साथ ही उसको अपना पहला मुकाबला जो कि अभ्यास मैच होगा वह 25 मई को न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेलना होगा। हम सभी जानते हैं कि आईपीएल के दौरान ही भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया था, साथ ही टीम में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं तो कुछ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। जब युवा खिलाड़ियों की बात आती है तो टीम में विजय शंकर को मौका दिया गया है और जब अनुभवी खिलाड़ियों की बात आती है तो हम सभी जानते हैं नाम गिनने को कम है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा से लेकर टीम में कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो टीम को जिताकर ही लौटेंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत को इस बार वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया। हालांकि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ऋषभ पंत के साथ साथ नवदीप सैनी और खलील अहमद भी जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि यह तीनों खिलाड़ी केवल नेट्स में भारतीय टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, बशर्ते अगर भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी को कुछ हो जाता तो शायद इन तीनों में से एक चेहरा आपको भारतीय टीम में शामिल होता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों पहले अगर बात करी जाए भारतीय टीम के कॉम्पिटिशन की तो वैसे तो जिस तरीके से हर टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करके दिखा रही है उससे तो यही मालूम पड़ता है कि हर टीम अपनी पूरी तैयारी करके ही वर्ल्ड कप के लिए आएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों एक नजरिए में देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो कि भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में रहेगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। इस बात को हम सभी कैसे भुला सकते हैं कि हाल ही में जब फरवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत का दौरा किया था तब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न सिर्फ टी20 बल्कि वनडे सीरीज में भी फतह हासिल करी थी। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टी20 सीरीज के तो दो मुकाबले खेले गए थे और दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई थी। साथ ही जब वनडे सीरीज की बारी आई तो शायद भारतीय क्रिकेट टीम ने उस समय भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया था। टीम ने दो पहले मुकाबले जीतकर सीरीज में कहीं ना कहीं 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन मुकाबलों में जीतकर ना सिर्फ इस सीरीज में जोरदार कमबैक किया बल्कि उस सीरीज का खिताब भी अपने नाम कर गए। तो इसीलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुकाबले के बारे में बताने वाले हैं जिसे जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास ही रच दिया था। साथ ही आपको बता दें कि उस खास मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने न सिर्फ सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया बल्कि 142 सालों के इतिहास को बदल कर रख दिया था। साथ ही फिर तभी भारतीय टीम ऐसी पहली टीम बन गई थी जो ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को ही क्लीन स्वीप से हरा कर आई थी। इस टी20 मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी। इस टीम की शुरुआत इतनी जोरदार रही कि कप्तान शेन वॉटसन ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेन वॉटसन 20 ओवर के पारी में ही अपना शतक पूरा कर चुके थे और वह अंत तक क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में शेन वॉटसन की मजबूत बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस मुकाबले में 5 विकेट खोकर 197 रन बना लिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 198 रनों के बड़े लक्ष्य से मात देना कहीं न कहीं एक मुश्किल काम लग रहा था और भारतीय टीम तो पहली पारी के बाद 90% उस मुकाबले को हार चुकी थी, लेकिन खेल अभी बाकी था। फिर आगे चलकर मैदान में जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही वह केवल इतिहास है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर उतरते रोहित शर्मा ने जहां 52 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं धवन ने भी 26 रन लगाए थे। सिर्फ इतने ही नहीं इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने भी 56 रनों की एक तूफानी पारी खेल डाली थी। तो इस मुकाबले की विजय गाथा तो लिखी जानी थी सुरेश रैना व युवराज सिंह के बल्ले से। आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ मिलकर अंतिम पलों में कुछ इस तरीके से भारतीय टीम को जिताया कि शायद इसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि 19वें ओवर में केवल 5 रन आने की वजह से भारतीय टीम को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 17 रन बनाने थे। साथ ही 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह सिंगल ले चुके थे, इसका मतलब अगले ओवर में स्ट्राइक तो वही संभालने वाले थे, जिसके बाद गेंदबाजी करवाने के लिए गेंद थमाई गई गेंदबाज टाई को। उस समय स्ट्राइक पर थे सामने युवराज सिंह। इस ओवर की पहली गेंद को बड़ी चालाकी से गेंदबाज टाई ने युवराज सिंह के पैड मारकर उन्हें LBW आउट तो करना चाहा, लेकिन युवराज सिंह तब तक एक कड़क शॉट लगा चुके थे और गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी, यह चौका हो गया था। फिर भी भारतीय टीम को 5 गेंदों का सामना करके 13 रन बनाने थे, जिसके बाद जब अगली गेंद को एक बार फिर से गेंदबाज ने ऑफ लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया तो युवराज सिंह ने इस बार तो डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और यह छक्का हो गया। साथ ही दोस्तों युवराज सिंह के 2 गेंदों पर 10 रनों के बाद अब भारतीय टीम को 4 गेंदों में महज 7 रन ही बनाने थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज
सिंह कोई शॉट खेलने में पूरी तरीके से नाकाम रहे, लेकिन तब तक सुरेश रैना दौड़कर एक लेग बाई का रन ले चुके थे। स्ट्राइक पर खड़े थे सुरेश रैना, जिनके सर पर जिम्मेदारी थी अगली 3 गेंदों पर 6 रन लगाने की। लेकिन अभी तो इस गेम का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ने वाला था, क्योंकि सुरेश रैना ने अगली 2 गेंदों पर 2 बार 2 रन लिए, जिसके बाद अब अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर फिर से खड़े थे सुरेश रैना। ऐसे में टाई ने उन्हें आउट करने के लिए एक ऑफ कटर यॉर्कर गेंद तो डाली, लेकिन सुरेश रैना ने एक बड़ा शॉट लगाकर गेंद को कवर ड्राइव की तरफ खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, जिसके बाद यह चौका हो गया। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम एक हारे हुए मुकाबले को भी जीत गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3-0 से सीरीज में हरा कर ही घर लौटी। साथ ही इस मुकाबले को जब जब कोई भी याद करता है तो पता चलता है कि युवराज सिंह और सुरेश रैना की अहमियत टीम में क्या है। लेकिन दोस्तों अब आलम यह आ चुका है कि सुरेश रैना और युवराज सिंह को टीम में शामिल करना तो दूर, बीसीसीआई के चयनकर्ताओं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें टीम में खेलने का एक और मौका देना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम खास तौर पर आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2019 के विश्व कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। यह 5 खिलाड़ी काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं या फिर खेल भी चुके हैं, साथ ही इनमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम है जिन्हें सारे भारत देश की जनता प्यार करती है। दोस्तों सबसे पहले नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफी लंबे अरसे से रविचंद्रन अश्विन को वनडे की टीम में शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह टीम में अब युजवेंद्र चहल व कुलदीप यादव ने ले लिया और दोनों ही गेंदबाज काफी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो ऐसे में यह बात तो पक्की हो जाती है कि वर्ल्ड कप के बाद रविचंद्रन अश्विन वनडे फॉर्मेट से तो संन्यास ले ही सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेश रैना। दोस्तों फिट होने के बावजूद बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने सुरेश रैना को काफी लंबे अरसे से टीम में जगह नहीं दी गई है। सिर्फ इतने नहीं, आपको बता दें कि उनकी जगह अब हमेशा बीसीसीआई के चयनकर्ता ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को जगह देना ज्यादा जरूरी समझते हैं और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह आप सभी को केएल राहुल ही खेलते हुए दिखेंगे। और अब कहीं ना कहीं सुरेश रैना भी इस बात को समझ चुके होंगे कि उनकी वापसी तो नहीं होने वाली, तो ऐसे में 2019 के विश्व कप के बाद वह भी संन्यास ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तीसरे नंबर पर आते हैं युवराज सिंह। दोस्तों युवराज सिंह की कहानी सुरेश रैना से अलग नहीं, इस बार के आईपीएल के सीजन की शुरुआत में युवराज सिंह ने मौका मिलने पर काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, युवराज सिंह तो घरेलू टूर्नामेंट्स में भी काफी जोरदार प्रदर्शन करते हुए आए, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने एक बार फिर से उन्हें टीम में शामिल करने से नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 के विश्व कप के बाद वह भी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम है उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, वह और कोई नहीं बल्कि शिखर धवन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि शिखर धवन अगर किसी एक मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनकी जगह टीम में काफी ज्यादा फेरबदल की जाती है। साथ ही विश्व कप के बाद यह बात तो पक्की हो जाती है कि अगर वह ढंग से प्रदर्शन नहीं करते तो उनकी जगह टीम में पृथ्वी शॉ या फिर शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज ले लेंगे, और अगर ऐसा ही कुछ होता है तो शिखर धवन भी 2019 विश्व कप के बाद वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के अब तक के सबसे सफल व पूर्व कप्तान रहे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। हम सभी जानते हैं कि यह बात कब से चलती आ रही है कि 2019 के विश्व कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने की सोच रहे हैं, ताकि उनकी जगह लेने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी इतने ज्यादा अनुभवी नहीं, और कहीं ना कहीं आगे चलकर भी भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है। लेकिन कई दफा महेंद्र सिंह धोनी अपनी स्टेटमेंट से यह बात साफ कर चुके हैं कि शायद ही वह 2019 के बाद वनडे या फिर T20 फॉर्मेट में आप सभी को भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए। दोस्तों धोनी वह खिलाड़ी हैं जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी हैं, और धोनी की फैन फॉलोइंग तो इतनी है, साथ ही सब यही चाहते हैं कि धोनी आने वाले 2023 के विश्व कप तक खेलें। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी जैसे खिलाड़ी को क्या 2019 के विश्व कप के बाद संन्यास लेना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के बारे में। आपको बता दें कि यह भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा जो कि वह साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला 5 जून को दोपहर 3:30 बजे साउथैम्पटन में खेला जाएगा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम कोई मामूली टीम नहीं। यह टीम भले ही आईसीसी का वर्ल्ड कप अब तक नहीं जीत पाई हो, लेकिन यह टीम इतनी ज्यादा मजबूत है कि यह भारतीय टीम को हराने का दम जरूर रखती है। अगर पहले साउथ अफ्रीका की टीम की बात करी जाए तो इस टीम में फाफ डु प्लेसिस कप्तानी करते हैं जो कि फिलहाल शानदार फॉर्म में है और जिसका नमूना हमें आईपीएल में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इस टीम के बल्लेबाज डी कॉक, जिन्होंने मुंबई की टीम की तरफ से लगभग हर एक मुकाबले में जोरदार बल्लेबाजी करी। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल में देखा गया कि किस तरीके से चेन्नई की टीम की तरफ से इमरान ताहिर ने तूफानी गेंदबाजी करी, तो वहीं कगिसो रबाडा ने तो धमाल ही मचा दिया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी
बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो चलिए पहले आपको फटाफट से बता देते हैं क्या होगी साउथ अफ्रीका की टीम की प्लेइंग 11 भारत के खिलाफ इस पहले मुकाबले के लिए। तो इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं हाशिम अमला के साथ क्विंटन डीकॉक, इसी के साथ इस टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए देख सकते हैं कप्तान फाफ डुप्लेसिस, बल्लेबाज मार्करम, जेपी डुमिनी व डेविड मिलर। वहीं इस टीम में आपको तीन तेज गेंदबाज के रूप में देख सकते हैं लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा व डेल स्टेन। स्पिन गेंदबाजी की कमान को संभालते हुए दिखेंगे इमरान ताहिर और टीम में एक और खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे फेल कुवायो। दोस्तों अगर इसके जवाब में भारतीय टीम की बात करी जाए तो